हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं बताने जा रहा हूँ बाइनेंस अकाउंट को आईडीए में कैसे ऐड कर सकते हैं, मतलब विड्रावल एड्रेस को आईडीए में कैसे ऐड कर सकते हैं। ये मेरे सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट थी। जो न्यू यूजर हैं वो लोग बहुत ज्यादा ये गलती करते हैं कि विड्रावल एड्रेस सही ऐड नहीं कर पाते, जिससे उनको कस्टमर केयर को एसएमएस करना पड़ता है। और कस्टमर केयर यहाँ तक लीडर को भी एसएमएस कर चुका है कि अगर जो आपके जूनियर है उन लोगों को आप बताइए कि विड्रॉल एड्रेस कैसे ऐड करना चाहिए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये वीडियो आप लोग देखकर विड्रॉल एड्रेस आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। सबसे जानने के लिए वीडियो में बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आईडीए से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी चैनल पर देता रहता हूँ। तो चलिए फिर, विड्रॉल एड्रेस को आईडीए में कैसे ऐड करना है। आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन वेरीफाई कर लेना है जिसमें आप विड्रावल करेंगे, चाहे वो OKX हो या फिर KuCoin हो या फिर Binance हो। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका Binance का है। Binance बहुत ही सरल है, तो आप Binance को वेरीफाई करेंगे सिर्फ एक मिनट में। ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी ये वीडियो की लिंक। आप जाके एक मिनट में वेरीफाई Binance कर सकते हैं। तो चलिए फिर ऐड कैसे करना है मैं ये बताता हूँ। आप सबसे पहले Binance को ओपन कर लीजिए, उसके बाद चले आइए आप वॉल्ट में। जब वॉल्ट में आप आएंगे तो आपके सामने डिपॉजिट का ऑप्शन दिखेगा। आप डिपॉजिट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको नेटवर्क चूज करना है, तो USDT आपको यही चाहिए, यही यहाँ पे विड्रॉल आपको करना है। तो आप जब इस पर क्लिक, जब USDT पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिससे फिर आपको नेटवर्क चूज करना है। टर्न TRC20 आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जो विड्रॉल एड्रेस है। यहाँ का तो डिपॉजिट है लेकिन आईडीए में विड्रावल है, तो ये सिंपली आपको यहाँ से कॉपी करके और एक स्क्रीन शॉट ले लेना है, बस आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब चले आइए आप आईडीए में। आईडीए में जब आप आएंगे, आईडीए को ऑन करेंगे तो आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखेगा वॉलेट मैनेजमेंट, तो आप उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, क्रिएट न्यू एड्रेस। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जो आपका नेटवर्क ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक रहेगा। उसके बाद करेंसी एड्रेस आपको जो वहां से कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद नीचे फंड पासवर्ड डाल देना। फंड पासवर्ड जब आप डाल देंगे तो कंप्लीट करेंगे तो आपके सामने थोड़ी देर बाद, एक दो मिनट बाद, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा कि आपका विड्रॉल एड्रेस ऐड हो चुका है। हाँ, एक चीज और आपको बता दूं, अगर आप विड्रॉल एड्रेस ऐड कर रहे हैं तो इतना जरूर ध्यान रखिए, शुरू का और आखिर का बैलेंस में एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद आके आईडीए में एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि दोनों सेम होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कॉपी किया है लेकिन उससे पहले भी कोई कॉपी किया हुआ चीज यहाँ पेस्ट हो सकता है, हो सकता हो थोड़ी बहुत गलती हो जाए। इसलिए मैं एहतियात के लिए कह रहा हूँ कि आप विड्रॉल एड्रेस को एक बार Binance में चेक कर लीजिए कि क्या वो सही है, उसके बाद आप आईडीए में भी चेक कर लीजिए। शुरू का 2-4 अंक और लास्ट का 2-4 अंक ये बहुत जरूरी है, आप इसको चेक कर लीजिए। उसके बाद जब आप कंप्लीट, जब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने लगेगा, जब आप पूरा जांच लेंगे उसके बाद आप यहां पे सबमिट कर देंगे तो आपके सामने थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली बहुत आसान तरीका है, लेकिन जो न्यू यूजर है उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि जो न्यू यूजर है वो लोग बहुत आसानी से अपना विड्रॉल एड्रेस ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फिर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आईडीए से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।